बच्चों, आज हम आपका चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, दैट इज के टर्टल इन योर बुक थर्ड चैप्टर। ओके, तो के टर्टल होता क्या है? व्हाट इज के टर्टल? के टर्टल एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, यूजफुल इन लर्निंग प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? जो आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम करते हो या कोई फाइल बनाते हो या फिर कोई पिक्चर ड्रॉ करते हो, दैट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो के टर्टल भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो प्रोग्रामिंग सीखने में मदद करती है। इट इज़ वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू लर्न। ये बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग और ईजी टू लर्न होती है। और ये किस लिए यूज़ होती है? टू, इट इज़ यूज टू ड्रॉ फिगर्स एंड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करने में हेल्प करती है। इट यूजेस टर्टल फॉर ड्राइंग। टर्टल फॉर ड्राइंग मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे टर्टल फॉर ड्राइंग यूज़ करता है। द टर्टल ओरिजिनली अ रोबोटिक क्रीचर, एक रोबोटिक क्रीचर होता है। रोबोटिक समझते हो, यानी कि जो कंप्यूटर की कमांड, जो कंप्यूटर में हम कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, उसे कहते हैं रोबोटिक क्रिएचर। दैट सेट ऑन द फ्लोर, जो कंप्यूटर स्क्रीन की फ्लोर पे सेट बैठता है एंड कुड बी डायरेक्टेड टू मूव अराउंड। और उसको मूव अराउंड करने में, यानी कि इधर उधर, जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे कर्सर को इधर उधर लेके जाते हैं, जो वो एरो सा होता है, वैसे ही हम इसको मूव अराउंड करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? बाय टाइपिंग कमांड्स और एट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कमांड दे के। सून द टर्टल माइग्रेटेड टू द कंप्यूटर ग्राफिक स्क्रीन। जैसे ही टर्टल कंप्यूटर की ग्राफिक स्क्रीन पे, जहाँ पे हम ड्रॉ फिगर्स ड्रॉ वगैरह करते हैं, वहाँ पे जैसे ही वो अपीयर हो जाता है, पहुँच जाता है, वेयर इट इज़ यूज टू ड्रॉ शेप्स डिज़ाइन एंड पिक्चर्स। ठीक है, पहुँच जाता है तो हम उसमें इसमें डिज़ाइन शेप्स और पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दिस टर्टल, जो ये टर्टल है, के टर्टल, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? स्प्राइट। किस नाम से जानते हैं? स्प्राइट। ओके, सो दिस इज़ द के टर्टल। तो हमने क्या पढ़ा के टर्टल में? ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, यूजफुल फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग टू लर्न। एंड किस लिए यूज़ होता है? ड्रॉ फिगर्स एंड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। और ये जो ड्रॉ करता है वो टर्टल की हेल्प से करता है। टर्टल, जैसे हम उसको टाइपिंग से कमांड देते हैं कंप्यूटर पे, टोटल आपकी ग्राफिक स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है और आपकी स्क्रीन पे बैठ जाता है, जिसकी हेल्प से आप उसको मूव करते हो, मूव करके शेप्स डिज़ाइन और पिक्चर्स ड्रॉ करते हो। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्प्राइट। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट आया कि कैसे ओपन होता है, हाउ वी स्टार्ट द के टर्टल। तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, कि आपको पता है स्टार्ट बटन कहाँ पर होता है? कंप्यूटर स्क्रीन के टास्क बार के बिल्कुल लेफ्ट को हैंड कॉर्नर पे होता है, इस तरीके से होता है, राइट। तो वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन करने के बाद जहाँ पे ये आप ये देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होता है ऑल ऐप्स का। ऐप्स आपको सबको पता होगा क्या होता है, आपके फ़ोन में भी होती है, ऐसे कंप्यूटर में भी होती है। ऑल ऐप्स के बटन को आप क्लिक करोगे। ऑल ऐप्स के बटन को क्लिक करने के बाद आपका, आप किस चीज़ को खोलोगे? के पे जाओगे, के फोल्डर की तरफ जाओगे। के फोल्डर में जाओगे तो उसके अंदर एक फोल्डर का नाम होगा के डी ई। क्या नाम होगा? के डी ई। के डी ई फोल्डर को जैसे ही आप क्लिक करके ओपन करोगे, रिलीज़ करोगे, उसमें आपको काफ़ी सारी फाइल्स दिखेंगी और उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है के टर्टल एजुकेशनल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। आप अगर देखोगे तो ये चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे, के टर्टल एजुकेशनल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। ओके, इस तरीके से आप जैसे ही उसको ओपन करोगे, आपका इस तरीके से के टर्टल की विंडो अपीयर हो जाएगी स्क्रीन पे, इस तरीके की, जैसे आप अपनी उसके अंदर पेंट वगैरह का कोई एप्लीकेशन खोलते हो, पेंट खोलते हो तो उसके अंदर स्क्रीन आती है, या फिर टाइपिंग की खोलते हो, विंडोज़ वर्ड की खोलते हो तो उसके अंदर आता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका ये चीज़ आती है, जिसके अंदर ये जो छोटा सा देख रहे हो टर्टल बना हुआ है, दिस इज़ के टर्टल। ये हमारा रोबोटिक क्रिएचर होता है, राइट। और इसके अंदर ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो, अब इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ नाम बताऊँगी, उसके बाद हम अगली क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये के टर्टल की स्क्रीन है, ये आपका के टर्टल है। यहाँ पर आपका मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, इंसर्ट, ये सब चीज़ें।
ये आपका टाइटल बार है जिसके ऊपर टाइटल लिखा होता है, ये कंसोल टेक्स्ट बुक बॉक्स होता है यहाँ पे, ओके। एंड दिस इज इंस्पेक्टर पेन। इंस्पेक्टर पेन किसके हेल्प से इंस्पेक्ट करते हैं चीज़ें, जो चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे एडिटर पेन है यहाँ पे हम एडिट करते हैं। ये आपका टूल बार है, जो टूल्स आपको चाहिए, पेन चाहिए ड्रॉ करने के लिए, जो भी चाहिए। और ये जो पूरा आपकी स्क्रीन जहाँ पे क्रिएटर टूल बैठा हुआ है, दैट इज़ ऑन योर कैनवस। कैनवस क्या होता है, जिसके ऊपर आप अपनी ड्रॉ पिक्चर्स डिज़ाइंस वगैरह बनाते हो, वो कैनवस। एंड दिस इज़ जो ये लास्ट में ये है स्टेटस बार, कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर कैनवस, कि आप उसमें क्या चीज़ कर रहे हो, कैलकुलेशन ड्राइंग वगैरह जो कर रहे हो उसका स्टेटस आपके इसमें आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटर टूल। तो अब हम उसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।